गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रियंका यादव। टुडे आई टेल यू सम स्पोर्ट्स जीके क्वेश्चंस। इन प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीटेड आवर 150 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 151, होलकर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आंसर इज ए ब्रिज। ब्रिज एक गेम लाइक ए कार्ड गेम होता है, इसके लिए जो अवार्ड मिलता है वो क्या होती है? होलकर ट्रॉफी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 152, Who is the first Indian woman to win an Asian Games gold in 400 meter run? Asian Games में जो रेस हुई थी 400 मीटर की, उसमें किसने गोल्ड मेडल विन किया था? पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द 7 इम्पोर्टेंट सीज बाई स्विमिंग। स्विमिंग के थ्रू 7 सीज को क्रॉस करने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? बुल्ला चौधरी। Our next question is total number of gold medal won by Indian hockey teams in Olympics. कितने medal win किए थे उन्होंने? 8 gold medal. Next question is Asian Games last held in India. Last time India में कब held हुए थे? 1982 में। इनको Asian Games क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो एशिया हमारा कंटिनेंट है उसके ही सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते। ओके okay? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156, हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाता, कौन सा जो प्लेयर है वो इंडिया का नोन जाता, नोन किया जाता है? मिल्खा सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेडियम सचिन तेंदुलकर कंप्लीट हिज 100 सेंचुरी? किस जो स्टेडियम है उसमें उन्होंने अपनी 100वीं जो सेंचुरी है वो कंप्लीट की थी? श्री बंगाला स्टेडियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड? कहाँ पे है? पटियाला में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप? सबसे पहले वर्ल्ड कप किसने, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको किसने वॉन किया था? इंडिया ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 times इन ए रो? लगातार 3 times वर्ल्ड कप वोन करने वाला कौन सा कंट्री था? ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वुमेन हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल विन करने वाली कौन सी जो प्लेयर थी? साइना नेहवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेमस पर्सनैलिटी हु इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान माना जाता है? आंसर इज सचिन तेंदुलकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैज वोन मेडल इन वेरियस बैडमिंटन टूर्नामेंट इंक्लूडिंग ए गोल्ड मेडल एट द 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो 2019 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल और उसके अलावा बहुत सारे मेडल लेने वाले कौन सा प्लेयर था? पीवी सिंधु। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स इंडिया हैज वोन द हॉकी वर्ल्ड कप मैंस? मैंस की जो हॉकी होती है उसमें इंडिया ने कितने टाइम वर्ल्ड कप वोन किया है? 1 time। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रिकेट द लेंथ ऑफ पिच बिटवीन 2 wickets इज? जो पिच के बीच में जो डिस्टेंस होती है, पिच से और विकेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 22 yards। यार्ड्स का मतलब होता है गज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 मैचेज आर प्लेड इन द गेम ऑफ, किसमें खेले जाते हैं 2020 मैचेस? क्रिकेट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओलंपिक्स गेम्स आर नॉर्मली हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ, कितने साल के इंटरवल में होते हैं? 4 years, हर 4 साल बाद ओलंपिक्स गेम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच गेम द आगा खान कप एसोसिएटेड? जो आगा खान कप है वो किस गेम्स में जो विनर होते हैं उसको दिया जाता है? हॉकी प्लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में इंडिविजुअल मेडल विन करने वाला कौन था? केडी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मणिपुरी वर्जन ऑफ हॉकी? जो मणिपुर हमारा एक स्टेट है इंडिया का, उसमें हॉकी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज खरंग खेंजी। ओके डियर स्टूडेंट, लर्न एंड राइट these questions in your notebook for quiz. Hello student, a very pleasant and
Chill morning to you all. I've been Inita Singh. Welcomed you to our YouTube channel of online classes. In today's video, we will discuss the topic about animal cell, and this video is for the class 6 to 8. In today's diagram, you can see this is the diagram of animal cell, and this is its outer membrane that is called the cell membrane. The cell membrane that protects the content to go outside or inside. Okay, student, but you have seen that in plant cell there are cell wall and cell membrane, but in animal cell there is only a cell membrane that protect the content of inside the cell. Okay, this is the lysosomes, the smallest. These are the lysosomes that I have colored in pinkish color. The lysosomes are very they are present in animal cell only. They are not found in plant cell. They contain the enzymes that use for cellular digestion. Cellular digestion जो भी plant के अंदर digestion होता है वो lysosomes की help से ही होता है. अगर ये फूट जाते हैं तो जो हमारा cell होता है वो damage हो जाता है, destroy हो जाता है. इसीलिए हम इनको suicidal bag भी बोलते हैं. Suicide means suicide, you know how to what is suicide attempt, you know very well about it. This is the nucleus. Nucleus plant cell और animal cell दोनों में ही होता है. This is the nucleolus. This is our nucleus hole, and this is its outer membrane that we call the nuclear membrane. Nuclear membrane क्या करता है, nucleus के अंदर की जितने भी content होते हैं उनको बाहर जाने से रोकता है. Okay student, and nucleus जो होता है वो plant का important part होता है. Oval shape में होता है और ये बहुत ही वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस के आसपास होता है सराउंडिंग साइड में, एंड इट कंट्रोल द पैसेज मींस जो मटेरियल अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यूज़ होता है. एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूड होता है. ये फ्लूड जो आप देख रहे हैं इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ओके. द नेक्स्ट वन इज वैक्यूल. वैक्यूल, यू नो द वैक्यूल, वैक्यूम से ये वर्ड बना है वैक्यूल. वैक्यूल का मीन्स होता है यू कैन से दैट मतलब जो वहाँ का खाली पार्ट होता है. ओके स्टूडेंट, वैक्यूल्स जो होते हैं सैक लाइक, सैक मीन्स थैले टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में तो लार्ज होते हैं, बट इन एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत ही स्मॉलर साइज में होते हैं, कई सारे होते हैं. वो सोल्युबल फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं, वेस्ट एंड सेक्रेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ अवर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा वो क्या फंक्शन करता है, इसका फंक्शन होता है सिंगुलर में हम इसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, प्लूरल वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया. ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये टू बने हुए हैं और ये हेयर टू आई हैव ड्रॉन. ओके, ये जो होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं. रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पर सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें से रिलीज होती है. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ अवर गॉल्जी बॉडीज. गॉल्जी बॉडीज जो होते हैं ये होलो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लेट की शेप में, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और गॉल्जी एपरेटस प्लांट सेल में होते हैं. तो हम गॉल्जी बॉडीज के बारे में बात करेंगे. ये स्टैक्स में इस तरीके से आप देख सकते हो, एक झुंड टाइप कह सकते हो ग्रुप में, और ये क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं, स्टोर करते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं. गॉल्जी एपरेटस को हम डिक्टोसोम्स भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ अवर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रैनुल मतलब दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, इधर उधर कहीं पे भी घूमते रहते हैं. यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं ड्रॉन हेयर हेयर द थ्री पार्ट्स में हम मैंने ड्रॉन किया है. इनको फ्रीली मूव करते हैं. एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पार्ट्स पर अटैच होते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं ये, और हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज में. जो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो भी काम इन्हीं का ही होता है. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ अवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ ये हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ओके स्टूडेंट, इनका फंक्शन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स, ट्रांसपोर्ट करते हैं
मतलब मटेरियल को, सब्सटेंस को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। जैसे यहाँ से इधर पार्ट में कोई भी मटेरियल पहुँचाना है तो इसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ योर साइटोप्लाज्म, सॉरी आई हैव डिडंट एरो मेंशन इट, ओके। ये है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये पूरा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ आवर साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, इसमें न्यूक्लियस वगैरह जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ आवर सेंट्रोसोम्स। ये सेंट्रोसोम्स जो होते हैं आप देख सकते हो ये एक ऑर्गेनेल होता है जो सेल के अंदर, ओनली एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये सेंट्रोसोम्स, प्लांट सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, दैट इज़ ओनली द पार्ट दैट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स इज टू हेल्प इन द रिप्रोडक्शन और द सेल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो आई एंड अप माई क्लास। You can see the diagram that you have to draw in your fair notebook. Goodbye, student. Good morning, students. I, Neetu Yadav, welcome all students in our YouTube channel of online classes. So, students, today we study in this video about some basic science quiz questions which are for class 6 to class 8. So, in this video, students, our first question is, what chemicals are used to preserve food stuffs? ऐसे कौन से केमिकल है जिसका इस्तेमाल फूड स्टफ, खाने की जो चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है? आंसर है सोडियम बेंजोइट। जो सोडियम बेंजोइट एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्व फूड स्टफ्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टूडेंट्स, विच गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी? ऐसी कौन सी गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, वेजिटेबल घी के प्रोडक्शन में? आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है किसमें, वेजिटेबल घी के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स, विच पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? अब हमारे स्केलेटल सिस्टम का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमारे ब्रेन दिमाग को प्रोटेक्ट करता है? तो आंसर है स्कल, क्योंकि आपकी जो स्कल है वो क्या करती है, स्केलेटल सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट एनर्जी इमर्जेस फ्रॉम मोशन? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मोशन से बाहर निकलती है? ठीक है, मोशन का, जैसे मोशन क्या है, कोई भी चीज़ चल रही है मोशन में है, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं रोड पे, व्हीकल्स रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब मोशन में है। अगर मान लो मैं अपने पेन को चला रही हूँ तो वो भी क्या है, पेन एक मोशन में है, तो कौन सी एनर्जी इमर्ज हो रही है? आंसर है काइनेटिक एनर्जी इमर्ज हो रही है फ्रॉम मोशन से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्टूडेंट्स, सिमिलर बॉडी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ, अब जब सिमिलर एक जैसे बॉडी सेल्स आपस में इकट्ठे होंगे, मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? आंसर है टिश्यू। आप सबको पता है ग्रुप ऑफ सेल है वो मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल क्या बनाता है, आपका ह्यूमन बॉडी बनाता है। ऑर्गन्स आपका टिश्यू ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आपका ह्यूमन बॉडी होता है। तो अब यही बोल रहा है कि कौन से सिमिलर बॉडी सेल है जो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, तो जो सिमिलर बॉडी सेल आपस में काफ़ी सारे बॉडी सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यीस्ट इज आ टाइप ऑफ, जो यीस्ट है किसका टाइप होता है? तो आंसर है फंगस। जो यीस्ट है एक फंगस का टाइप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन बाय कोटिंग इट विथ जिंक, जब हम जिंक के साथ कोट करते हैं आयरन को तो वह किससे, रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? रस्टिंग का क्या मतलब, जैसे जंग लग जाना आयरन, क्यों आयरन के ऊपर जंग लगने से हम जिंक की कोटिंग कर रहे ताकि उसमें जंग ना लगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? आंसर गैल्वेनाइजेशन। जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर नोन एज, ऐसा कौन सा बेसिस है या कौन से बेसिस है जो पानी के अंदर घुलते हैं और हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता है बेसिस क्या होगा, बीटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिस है सोल्यूबल, पानी के अंदर सोल्यूबल घुल जाते हैं उन्हें हम कहेंगे
एल्कलीज, ठीक है, तो आंसर होगा आपका एल्कलीज। क्वेश्चन नंबर 9th स्टूडेंट्स, विच इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, ऐसा कौन सा केमिकल है उसको किंग ऑफ केमिकल, सभी केमिकल्स का किंग कहा जाता है, तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल काफ़ी जगह होता है, काफ़ी मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें काफ़ी बार किया जाता है, बार बार सल्फ्यूरिक एसिड हर जगह सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, इसलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल काफ़ी बार होता है, ठीक है, या फिर काफ़ी जगह होता है, अलग अलग जगह होता है इसका इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, द मेटल यूज्ड इन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका इस्तेमाल जो बल्ब होता है थर्मामीटर उसके अंदर किया जाता है, तो आंसर मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या होती है, हीट और कोल्ड टेम्परेचर इजिली मेंटेन कर आपको बताने में हेल्प करती है। आपको पता है जैसे मरकरी है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, जब हीट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो जो थर्मामीटर के अंदर उसका टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, नॉर्मल पे उसका टेम्परेचर है डाउन आने लग जाता है, तो मरकरी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर के बल्ब में, ताकि टेम्परेचर को आप मेज़र कर सके थर्मामीटर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11th स्टूडेंट्स, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ सोइल इज नोन एज, ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक जो मिट्टी की स्टडी करता है, मिट्टी के बारे में पढ़ता है, उसके बारे में बताता जानकारी देता है, उसे हम क्या कहेंगे, आंसर है पेडालोजिस्ट, जो साइंटिस्ट है सोइल की स्टडी करता है उन्हें हम पेडालोजिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, द वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज, अब आपके वॉइस बॉक्स जो आपके थ्रोट में होता है वॉइस बॉक्स, जिसे आपकी आवाज़ बाहर आती है, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो दूसरा नाम क्या है, आंसर है लैरिंग्स, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड, जो किसी भी सेल में लिविंग सब्सटेंस है उसे हम क्या कहेंगे, आंसर है प्रोटोप्लाज्म, तो लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, द मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो मैग्नेटिक अफेक्ट होता है करंट का वो किससे डिस्कवर हो सकता है, आंसर है ओस्टेड का इस्तेमाल करके आप मैग्नेटिक इफेक्ट को पता कर सकते हैं करंट के। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और डायलेटिंग, आप क्या कह रहा है, आई का, आपकी आँख का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो लाइट को कंट्रोल करता है आपकी आई को कंट्रैक्ट और डायलेट करने के लिए, ठीक है, तो आंसर है आयरिस, ठीक है, जो आयरिस पार्ट है आई का वो कंट्रोल करता है लाइट को। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, अ प्रोसेस इन प्लांट दैट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, आप क्या कह रहे हैं, प्लांट में ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो आंसर है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, अब इस सेलुलर का पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जो सेल के सुसाइडल बैग का दूसरा नाम क्या है, हम इसके दूसरे नाम को क्या बोला सकते हैं, तो आंसर लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है कमी की वजह से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आंसर नाइट ब्लाइंडनेस, जो प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादातर देखने को मिलती है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, सेरीकल्चर इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच फाइबर, जो सेरीकल्चर प्रोसेस है उसका इस्तेमाल है कौन से फाइबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब सेरीकल्चर प्रोसेस है आपके सिल्क वर्म में होती है, तो इसलिए, और सिल्क वर्म से हमें क्या ऑप्टन होता है, सिल्क, तो इसका आंसर होगा सिल्क जो प्रोसेस है वो यूज़ होती है फाइबर के प्रोडक्शन के लिए, जिसे हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अंशू यादव योर मैथ्स टीचर, सो टुडे आई टीच यू questions based on the ratio and proportion. Previously we did some basic concept on this topic. Now first question is, a ratio equivalent to 3:7 is, firstly ratio को हम क्या लिख सकते हैं, 3:7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/7. Now we have to tell कि from the options in
four of these options which is equivalent to या कौन इसके similar लगता है. So firstly हम क्या करेंगे, 3:9 को क्या लिख सकते हैं, हम 3/9. और जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है तो हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं. और कैंसिल आउट किससे होता है, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम नंबर से अगर कैंसिल आउट होती है तो ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. सो 3 की टेबल में 9 आते हैं तो 3 1 3 3 3 9. सो दिस विल बी 1:3 एंड दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3:7. नाउ नेक्स्ट इज 6:10. वी कैन राइट 6/10. Now both of these value will be cancelled out by 2 because both of these will be divisible by 2. So ratio kya aa gaya ab hamare paas, 2:5. So that is not also not equivalent to 3:7. Now next is 9:21. So 9/21. Now 2 से cancel out, both of these value will not be divisible by 2. Then 3 से check karte hain, 3 3 9 and 3 7 21, so cancel out हो जाएगा. So answer will be 3:7. So that is equivalent to 3:7. So answer is 9:21. Now second one is the ratio 35:85 or is simplest form is, मतलब हमें यहाँ पे cancel out करके इसकी simplest form लिखनी है. So firstly 35/84. So we check for if this is divisible by 2. So this will be divisible by 2 but the numerator is not divisible by 2. Then 3 से check करते हैं, 3 से भी नहीं होगा हमारे पास divide. क्या criteria होता है, दोनों digits का sum हमारे पास 3 से divisible होना चाहिए और यहाँ पे नहीं हो रहा है. Then 4 से तो होगा नहीं, 5 से ये divide हो जाएगा लेकिन 5 से ही नहीं होगा. Then 6 से नहीं, क्योंकि 2 और 3 से ही नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा. Then 7 से अब हम करेंगे तो 7 5 जो होता है 35 एंड 7 1 जो 7 7 2 जो, तो 5:12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ इन आर क्लास देयर आर 20 बॉयज. एक क्लास में 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स आर देयर. द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज, अब फर्स्टली जब भी रेशियो फाइंड करना होता है और टू हमारे पास उनके बीच में है तो जो फर्स्ट होता है बॉयज का रेशियो निकालना हमें गर्ल्स से, तो जिस अकॉर्डिंगली जैसे उन्होंने बोला है कि पहले हम किसका लिखेंगे, बॉयज का एंड देन गर्ल्स का. तो रेशियो जब भी करते हैं तो बॉयज कितने हैं 20, फिर 2 के जगह क्या लगा देंगे हम रेशियो, और गर्ल्स कितनी है यहाँ पे टोटल 15. सो दैट विल बी 15. ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर गिवन है. सो we can write it in the form of this. So now किससे cancel out होंगे, 2 से cancel out, ऊपर numerator हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा. then 3 से 15 divisible है लेकिन 20 नहीं है. then 5 से देखते हैं, 5 4 5 3 जा, so ratio will be 4/3 का मतलब क्या होगा, ratio is equals to 4:3. so answer will be 4:3. ठीक है, now the two numbers are in the ratio 7:9. If sum of the numbers is 112, then the larger number is. Firstly, जब भी हमारे पास given हो एक ratio और उनका sum given हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा 7:9 है और उनका sum कितना given हमारे पास 112. ठीक है, और larger value पूछी है तो larger ratio में कौन सी है value, 9. तो 9/ इन दोनों ratio का sum कितना है, 7+9 इज इक्वल्स टू 16 और मल्टीप्लाई करते हैं उस सम से. ठीक है, इन केस अगर यहाँ पूछा होता हमारे पास स्मॉलर नंबर तो रेशियो में स्मॉलर क्या था, 7. ठीक है, अपॉन दोनों का टोटल सम कितना है, 16 एंड मल्टीप्लाई विद 112. दिस विल वी हैव डन इन केस इफ वी आर गिवन द सम ऑफ द टू नंबर्स. ओके, रेशियो गिवन है और सम ऑफ उन दोनों नंबर्स का सम भी गिवन है, तो हम इस तरीके से करते हैं. नाउ कैंसिल आउट करते हैं, तो फर्स्टली जब भी हमारे पास ऊपर दो वैल्यू होती है और नीचे एक ही, तो हम अगर एक नंबर से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को एक ही बार उस नंबर से कैंसिल आउट करेंगे. यू नहीं है कि अगर दोनों इस नंबर से डिवाइड हो रही है तो एक यहाँ करा और ऊपर दोनों को डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो नाउ 16 और 9 तो होंगे नहीं, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं. 16 8 जा, सो 16 7 जा होता है, 16 8 जा नहीं, 16 7 जा 112 हो गया.
सो नाइन अब यहाँ दोनों जगह कितना आ गया, वन हो गया. तो क्या करेंगे अब हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट. सो 63 इज द आंसर. ये 63 इज द लार्जर नंबर. और इन केस वी हैव टू फाइंड द स्मॉलर नंबर देन 16 वन द 16, 16 सेवन द दिस. सो आंसर विल बी 49. ओके नाउ अब हमें रेशियो निकालना है. रेशियो के लिए क्या होता है, 2 के पहले वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं देन उसके बाद 2 की जगह रेशियो एंड 300 सेकेंड. ठीक है, तो फर्स्टली जब भी अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए. यूनिट्स मतलब यहाँ अगर हार है तो यहाँ पे भी हार होना चाहिए, या अगर सेकेंड है यहाँ पे तो ऊपर भी सेकेंड होना चाहिए, तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है, वन हार में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600. ठीक है, 3600 क्या होते हैं, एक हार में सेकेंड्स होते हैं. तो सेकेंड में हो गया ये वैल्यू एन अपॉन में 300 सेकेंड्स. ठीक है, रेशियो में यही होगा ना, वन हार और रेशियो 300, तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं. अब यहाँ 20 से 20 कैंसिल आउट. नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 12. सो आंसर विल बी 12 अपॉन 1. और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 रेशियो 1, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है, रेशियो. सो आंसर विल बी 12 रेशियो 1. नाउ इन दीज व्हाट आर द वैल्यू, ओके 7 एंड 16. 7 और 16 क्या है, मिडल वैल्यूज है, तो मीन टर्म्स होती है, कल ही हमने पढ़ा था. सो आंसर विल बी मीन टर्म्स होगा इसका आंसर. इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन प्रोपोर्शन देन, अब अगर एक्स वाई जेड प्रोपोर्शन में है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे वाई क्या है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और वो भी साथ साथ. तो यहाँ पे वाई जहाँ पे साथ है, यहाँ देखो यही साथ है, प्रोपोर्शन का ये दो सिंबल जो दो बार जो साइन थे वो क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और ये किसका था, रेशो. सो आंसर विल बी दिस. So that is all for today. Thank you. Good morning students. स्लेक लिखते हैं. से ऊ ले ए खे स्लेक. गांव में शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार के गांवों में गे आ वे ओ गांव में शिक्षा शे ई शे आ शिक्षा स्वास्थ्य आदा से वे आ से थे ये स्वास्थ्य एवं रोजगार के जे ओ जे गे आ रे रोजगार के एक के अवसरों ए व से जे ओ अवसरों का के आ का अभाव ए भे आ व अभाव है. अभी भी भारत के अभी ए भई अभी भई भी भारत के भ आ रहते भारत के एक के अधिकांश ए ध ई के आ ने श अधिकांश गांव गांव पेयजल पे ए जल जल की के ई की समस्या से मैं आधा से ये आ समस्या से स ए से जूझ जे ऊ झे जूझ रहे जे है ए रहे हैं. गांवों की आर्थिक दशा, गांवों की आर्थिक दशा दशा दे से दशा
भी उन्नत नहीं है, भी उन्नत उन्नत नहीं है, ई नहीं है, सभी उनका शोषण करते हैं, से भय ई सभी उनका ऊने का उनका शोषण, से ओ से ने शोषण करते हैं, कह रहते हैं, गांव में बिजली पहुंचाकर गए आवे ओ गांव में, ए में बिजली, ब ई जे ले ई बिजली पहुंचाकर, प है ऊ चे आ कर पहुंचाकर, उद्योग ऊ आदद ये ओगे उद्योग, धंदो धे ने धे ओ धंदो, का के अका जाल जे आले जाल, फैलाने फै ए ले आने फैलाने, से से ए से से ग्रामीण का जीवन, से ग्रामीण ग्रामीणों का जीवन स्तर स्तर उठाया जा सकता है, जीवन स्तर ऊ ठे आ ये आ उठाया जे अजा सकता, से के ते आ सकता है। बेटा आपको भी एक पेज राइटिंग लिखनी है। थैंक यू। दिस इज इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 6 to 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज What is prefix? State with example. Prefix क्या होते हैं और उसको example के साथ समझाती हूँ मैं आपको। Prefixes. Prefixes is a set of letters which is usually used in front of a word. However, it changes the entire meaning of the word. इट मीन्स जो प्रिफिक्सेस होते हैं वो एक लेटर होता है, सेट होता है पूरा लेटर का। उससे क्या होता है कि वो आपके वर्ड के सामने लगकर, यानी कि फ्रंट में आगे लगकर उस वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं, उन्हें हम प्रिफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अनहैप्पी, हेयर अन इज प्रिफिक्स। इसमें क्या है, जो यू एन है ये हमारा प्रिफिक्स है और इसकी वजह से क्या होता है, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, उन्हें हम प्रिफिक्सेस कहते हैं। आप इसे प्रत्यय भी, हिंदी में प्रत्यय कह सकते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और प्रिफिक्सेस जैसे हैप्पी है, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है, खुश रहना, खुशी, हैप्पीनेस। और अन लग गया, अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब उदास, दुखी, यानी कि वो खुश नहीं हैं। तो जब हम प्रिफिक्सेस के बारे में बात करते हैं तो वो वर्ड्स होते हैं जो आगे लगकर पूरे शब्द का मतलब बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुफिक्स। व्हाट इज सुफिक्स? स्टेट विद एग्जांपल। सुफिक्सेस क्या होते हैं उसको हम एग्जांपल के साथ समझाऊंगी मैं अब आपको। सुफिक्स इज एडेड एंड इट गिव्स अ न्यू मीनिंग। इसमें ऐड होता है सुफिक्स लास्ट में, एंड में ये लिखा जाता है। सुफिक्सेस को हम लास्ट में
ऐड करते हैं और उसमें क्या होता है, मोर ओवर आफ्टर एडिंग अ सुफिक्स द वर्ड चेंजेस एज, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे है चाइल्ड, चाइल्ड इज अ नाउन, जो चाइल्ड है वो एक नाउन है, बट चाइल्डिश ISH जो है हमारा वो क्या बन गया, चाइल्डिश, और वो क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव। सो इसने क्या किया, इसका पूरा ही मीनिंग चेंज कर दिया, यानी कि जो हम लास्ट में लगाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। सुफिक्सेस हम मतलब होता है प्रत्यय, और उस प्रिफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं और प्रिफिक्स को हम उपसर्ग कहते हैं। वैसे ही जब हम सुफिक्सेस के वर्ड्स में सुफिक्स को ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के साथ, अभी आपने देखा हमने चाइल्ड के साथ ISH लगा दिया, चाइल्ड लिखने तक तो वो नाउन था, और चाइल्डिश लिखने तक वो क्या बन गया, एडजेक्टिव, और इसके साथ हमें इसका पूरा मतलब चेंज हो गया, वर्ड ही चेंज हो गया, चाइल्डिश बन गया ये। सो इसका मतलब होता है जब हम किसी भी वर्ड को एक, जब हम किसी वर्ड के साथ प्रीफिक्स या सुफिक्स चेंज लगा देते हैं तो वो पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज कर देते हैं। ऐसे ही, और ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही अफिक्स के पार्ट हैं, दोनों ही किसके पार्ट हैं, अफिक्स, AFFIX। सो नाउ वी आर गोइंग टू, आई विल टेल यू कि आप देखो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जब हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है उसके अकॉर्डिंग हम सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। हमें कई बार क्या होता है कि अब हमें कहीं वर्ड, हमें अनहैप्पी वर्ड यूज़ करना है, ओके, समटाइम्स हमें क्या करते हैं, अनहैप्पी वर्ड यूज़ करना है सेंटेंस के लिए, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, UN अनहैप्पी बन गया, हैप्पी के साथ हमने अन लगा दिया और इसका हमने सुफिक्स बना दिया, और इस वर्ड को हम उस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने चाइल्ड के साथ ISH पुट कर दिया, और हमें अब हम किसी सेंटेंस में अगर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं तो उन एडजेक्टिव को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ISH लिखा हुआ है, चाइल्ड एडजेक्टिव है, अंडरलाइन कर सकते हैं इसे हम। तो ऐसे ही हम सुफिक्सेस का वर्ड यूज़ करते हैं जैसे प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस में यूज़ करना है चाइल्डिश, इफ़ वी वांट टू यूज़ द वर्ड चाइल्डिश समवेयर टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव, देन वी विल यूज़ सुफिक्सेस आल्सो, जैसे अवेलेबल, अवेबिलिटी, कम्युनिटी, इस तरीके से हम क्या करते हैं सुफिक्सेस का यूज़ करते हैं और वर्ड्स को चेंज करते हैं टू मेक द मीनिंग यूजफुल एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। वी आर चेंजिंग द मीनिंग्स बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। थैंक यू एवरीवन। Good morning, student. Welcome to online classes. In this spoken class, in previous video, we were just discussing about the debate topic, that is healthy food and junk food. तो डिबेट में जब भी हम बोलते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बताई कि हमें कैसे बोलना है और कैसे इसको हम बोलते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें हमें दोनों ही टॉपिक, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स साथ के साथ हमें बता करके इनको जो है बोलना है, और ये हम अकेले भी बोलते हैं और दो पर्सन्स के बीच में भी, जो एक जो है वो मेरिट्स के बारे में बोलता है और दूसरा पर्सन वो डिमेरिट्स के बारे में बोलता है। सो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो आई जस्ट टेल यू अबाउट द जंक फूड, आई डिस्क्राइब इट एंड ऑल्सो अबाउट दैट द सेम। नाउ टूडे इन आई विल जस्ट डिस्कस विद यू अबाउट द हेल्दी फूड। सो Let us start. Yes, students. The increase in the consumption of unhealthy food, fast food, has led to a rise in health-related problems. जैसे कि हम जितना ज़्यादा कंजप्शन जो है खपत होती है अनहेल्दी फूड्स की, फास्ट फूड की, उतने ही जो है हमारे यहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है।
Food is the need of every person from which we get energy. और जो भोजन है वो हमारे जो है बेसिक्स जो है जरूरत है और इससे हमें जो है हमें ऊर्जा मिलती है जिससे कि हमारी सेहत सही होती है. फूड मस्ट बी बैलेंस्ड फॉर एनर्जी. और जो जब खाना जो खाते हैं वो सही मात्रा में हमें लेना चाहिए जिससे कि हमें सही जो है ऊर्जा मिल सके. ए बैलेंस्ड डाइट मीन्स फूड दैट contains the right amount of protein, vitamins, carbohydrates, fat and fiber. और जो हमारा balance जो diet होती है यानी कि जितनी मात्रा में हमें भोजन चाहिए होता है वो क्या उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. सही मात्रा में जो है protein होनी चाहिए, vitamins होनी चाहिए और carbohydrates होनी चाहिए और जो है हमारा फैट तथा फाइबर जो होते हैं वो उसमें सही मात्रा में होने चाहिए तभी वो जो है एक बैलेंस डाइट कहलाती है. बैलेंस डाइट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी हेल्दी. और हमें जो है बैलेंस डाइट अगर मिल जाती है तो वो हमारी जो है सही मायना में हमें हेल्दी बनाती है. राइस, ब्रेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एक्सेट्रा कम इन ए बैलेंस डाइट. और जैसे कि है राइस है, मिल्क है, ब्रेड है और ग्रीन वेजिटेबल्स है और कर्ड है, ये जो चीजें हैं अगर हम एक बार भोजन में लेते हैं तो ये एक तरह से बैलेंस डाइट के अंडर आती हैं. एवरी डे वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें जो है प्रचुर मात्रा में हर रोज जो है अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे कि हमें जो है पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले. और हेल्दी फूड गिव्स अस ए हैप्पी लाइफ. और हेल्दी फूड की वजह से अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हमारा जीवन भी खुशी बीतेगा यानी कि हमारी लाइफ भी हैप्पी होगी. वी शुड टेक फ्रूट्स डेली इन अ बैलेंस्ड डाइट. और हमें जो है अपने भोजन के साथ साथ जो है मौसमी फल यानी कि जिस मौसम में जो फल होता है वो फल भी हमें लेना चाहिए, वो भी जो है बैलेंस डाइट में ही आता है. नाउ ए डेज द पर्सन इज फॉरगेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड है. नाउ डेज आज के दिनों में लोगों को जो है ये चीज भूलते जा रहे हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है. बैलेंस डाइट एंड गोइंग अवे फ्रॉम हेल्दी फूड. हम जो है बैलेंस डाइट की बजाय जो है हेल्दी फूड की बजाय हमारा दिमाग और कहीं जाता है. ड्यू टू विच जिसकी वजह से द रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड ऑबेसिटी इन चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग. और यही वजह है कि हम लापरवाही जो करते हैं जिससे कि जो है बच्चों में और हमारे में रिस्क हो जाता है कि जो है डायबिटीज के हो जाते हैं और जो है हमारे अंदर और भी कमियां आ जाती हैं. वी आर अट्रैक्टेड टू डिलीशियस फूड. हमारे अंदर एक फितरत होती है कि हम जो है डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट जो भोजन होता है उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं. वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ द फूड. और हम जो है खाने की और भोजन की क्वालिटी की तरफ नहीं देखते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है. क्वालिटी ऑफ द फूड एट ऑल. और हम जो है डिलीशियस यानी कि स्वादिष्टता की तरफ देखते हुए जो है क्वालिटी को हम गुणवत्ता को जो है ध्यान में नहीं रखते हैं. When a person is healthy, अगर एक person कोई भी हो अगर वो स्वस्थ है due to his healthy food, अपने जो है healthy food खाने की वजह से that is his real wealth, और वो उसकी सच्ची पूंजी होती है. Sound mind is a sound body. यानी कि इसका मतलब है कि अच्छी जो है
जो है आपका दिमाग है तो आपकी जो है शरीर भी आपका अच्छा ही होगा। और ये किस लिए होता है? इट इज ओनली ड्यू टू द हेल्दी फूड, और ये हेल्दी फूड की वजह से ही होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है, इफ माइंड इज हेल्दी, अगर आपका दिमाग सही है, इट विल मेंटेन, इसका मतलब है कि आपकी जो है बॉडी हेल्दी होगी। इट विल मेंटेन हेल्दी बॉडी एंड हिज वे ऑफ थिंकिंग वुड बी ऑल्सो पॉजिटिव, और उसका सोचने का तरीका भी सकारात्मक होगा। देन द सिक पर्सन, और जो है हेल्दी जो पर्सन है उसकी सोच भी पॉजिटिव होगी, जिससे कि सिक पर्सन, अगर कोई बीमार है तो उसकी थिंकिंग भी नेगेटिव ही होती है। हैविंग हेल्दी फूड पर्सन विल हैव गुड मेमोरी, और जो जो लोग स्वस्थ भोजन खाते हैं उनका दिमाग भी सही होता है और उनकी सोच भी अच्छी होती है और उनकी याददाश्त भी अच्छी बनती है। एंड हिज माइंड विल बी शार्प, और उसका दिमाग भी तेज होता है विद हेल्दी फूड, अच्छे भोजन खाने से। फ्रेश एयर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, और हमारे जो है हेल्दी खाने के साथ साथ जो है शुद्ध हवा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग हेल्दी पर्सन, और खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी इंसान को हेल्दी बनाती है। हैविंग हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाते हुए वी शुड ऑल्सो टेक कंप्लीट स्लीप एंड रेस्ट फॉर ए हेल्दी बॉडी, और हमें भोजन खाने के साथ साथ हमें प्रचुर मात्रा में, यानी कि हमें अपनी जितनी नींद चाहिए होती है जो है उतना सोना चाहिए, और साथ ही साथ हमें रेस्ट भी करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी बन सके। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जंक फूड और हेल्दी फूड के बारे में बताया, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी बात कि इसे अच्छी तरह समझिए, जब आप डिबेट बोलते हैं तो मैंने आपको बताया था आपको अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है, समझाना है, और इस तरह से बोलना है ताकि जो आपकी बातें सुन रहे हो उन्हें आपकी बातें प्रभावशाली लगे। सो स्टूडेंट, नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, दैट इज व्हाट, कि इफ यू जस्ट लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू डिस्क्राइब द सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर।